हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकितास विजन। सो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैम BBAU में अगर आना है तो कैसे आना है, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत बड़ा कैंपस है, प्लस वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो उसका हमारा कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो कैसे क्या होना है उसके बारे में, प्लस आपको किधर किस गेट से जाना है, कैसे क्या पहुँचना है, जो स्पॉट राउंडिंग हो रही है स्पॉट राउंडिंग के लिए किन किन बच्चों को आना है स्पेसिफिकली, सबसे पहले वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो की आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से पहुँच सकते हो। प्लस आप उस वीडियो को देख लोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स तक की बच्चों को यहाँ पे आना होगा और किन किन मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, तो वो वीडियो देख लेना। प्लस आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लाने हैं उसके लिए भी एक वीडियो मिलेगा, जो कि मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं यहाँ की एक्स स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे आइडिया लगता है कि किस चीज़ पर आपका एग्जाम जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है और किस पे नहीं, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे क्लियरेंस दे देंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत, सिर्फ और सिर्फ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फ्री फंड में चैनल सब्सक्राइब होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है या ऐसा कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है तो उसके बारे में भी, किसी भी यूनिवर्सिटी का आता है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। तो देखो, जो MA हिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको 3 तारीख, यहाँ पे 3 और 4 दो टाइम पे यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग होगा, उसके लिए आप यहाँ पे टाइमिंग देख लेना, वेन्यू देख लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आना है। तो MA हिस्ट्री वाले और किनको किनको आना है सबसे पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। MA हिस्ट्री वाले बच्चों को यहाँ पे 3 तारीख को आना है और टाइमिंग आपकी 10 बजे से 1 के बीच में है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आप बच्चे गेट नंबर 1 साइड से आ जाना, सारे बच्चे गेट नंबर 1 साइड से अगर कोशिश करना, अगर आप गेट नंबर 2 पे हो तो गेट नंबर 2 से हम बता देंगे आपको कि कैसे जाना होगा। जो आपके गेट नंबर 2 पे यहाँ पे डिपार्टमेंट अवेलेबल पास में होंगे हम गेट नंबर 2 बताएंगे, और गेट नंबर 1 से जो पास में होंगे उनको हम गेट नंबर 1। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो गेट नंबर 1 से पास में है, और ये बेटा आपको यहाँ वहाँ क्या बोलते हैं ऑटो मिलेगा, आपको ऑटो मिल जाएगा, वहाँ पे ई रिक्शा चल रहा होगा, ई रिक्शा आपको एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे ई रिक्शा चलवाया जाता है, तो एडमिशन के टाइम पे आपको वो लेने के लिए आ सकता है स्पॉट राउंडिंग में। ऐसा तो फिलहाल अभी तक तो पता है, ना हो आगे तो उसके लिए आइडिया नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे ई रिक्शा चलता है, तो आपको गेट नंबर 1 से आना है। सोशियोलॉजी वाले बच्चों का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी तो वहीं पे आना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस तो SES कॉन्फ्रेंस हॉल, तो इसके लिए बेटा आपको गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 आप जिससे भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये मिडिल में है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ तो आपको गेट नंबर 1 से आना है, 3 तारीख को आना है। हिंदी वाले को भी 3 तारीख को आना है, ये भी आपको गेट नंबर 1 से आना है, और इकोनॉमिक्स वाले गेट नंबर 1 से आएंगे, प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक्स MSc और MA दोनों, और जो MEd ये एजुकेशन है ये सारे के सारे उधर से ही आएंगे गेट नंबर 1 साइड से। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे RCA हॉल ये गेट नंबर 2 साइड से जा सकते हैं, क्योंकि गेट नंबर 2 साइड से उनको ईजी भी पड़ सकता है, अगर आप गेट नंबर 2 साइड पे हो तब, वरना फिर आप गेट नंबर 1 साइड से भी जा सकते हो, ऐसा कोई इशू होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संस्कृत वाले बच्चे यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम मतलब गेट नंबर 1 से जाना है, योगा वाले बच्चे और जो योगा ये MSc योगा और MA योगा वाले बच्चे ये आराम से वहाँ पे गेट नंबर 1 से जा सकते हैं, और RCA हॉल वाले बच्चे सारे गेट नंबर 2 से जाएंगे, और SEES वाले बच्चे जो हैं देखो यहाँ पे 4 तारीख को एम फार्मा वाले बच्चों का एडमिशन होगा, ये याद रखना, 4 तारीख का स्पॉट राउंडिंग एम फार्मा वाले बच्चों के लिए है, और SES कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो हमारा मिडिल में है, तो आप गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 किसी से भी जा सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज गेट नंबर 1 साइड पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैनेजमेंट है वो गेट नंबर 1 साइड पे है, और SDFS भी गेट नंबर 1 साइड पे है, तो आराम से आप उधर से जा सकते हो। प्लस यहाँ पे बिरसा मुंडा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर मतलब बिरसा मुंडा जो है वो एक हॉल टाइप का है जिसमें आपका जिम है, तो उधर भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे उधर जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले हैं और स्टेटिस्टिक वाले हैं और लाइफ साइंसेज और इन्वायरमेंटल साइंस वाले हैं और हॉर्टिकल्चर वाले हैं ये सारे के सारे 4 तारीख को जाएंगे, क्योंकि इनका जो होगा वो 4 तारीख में होगा, चाहे फार्मेसी वाले हों ये सारे बच्चे यहाँ पे 4 तारीख को जाएंगे। और AESS कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो बेटा बीच में है, और लेक्चर हॉल जो ये हमारे 1, 2, 3, 4 हैं ये सारे गेट नंबर 1 से आपको पास में पड़ेंगे। RCA हॉल जो है वो गेट नंबर 2 से पास में पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बेटा गेट नंबर 1 से आपका पास में पड़ता है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी गेट नंबर 2 से और गेट नंबर 1 दोनों से ठीक पड़ेगा, मतलब मिडिल में है वो। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बच्चों को कब कब आना है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना कि कौन सी डेट पे आपको आना है, इस चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना। अमेठी वाले बच्चे भी 4 तारीख को ही आएंगे, और यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे अगर आप नोटिस देखोगे तो इनके नोटिस में देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। नोटिस में जो इनके लिखा हुआ है कि जो अमेठी वाले बच्चे हैं उनको कहाँ आना है, एक मिनट आप देख लेना BBAU। हाँ,
यहाँ पे अगर आप अमेठी वाले बच्चों के लिए देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि काउंसलिंग फॉर द कोर्सेज ऑफ सैटेलाइट सेंटर अमेठी विल बी हेल्ड एट लखनऊ कैंपस। तो मतलब अमेठी वाले बच्चे जो हैं वो भी लखनऊ कैंपस ही आएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना। मतलब यहाँ पे जो चलना है, वैसे 3 से 4 तारीख में ये प्रोसेस चलना है। फीस आपको यहाँ 4 से 5 के बीच में आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, या 6 तारीख यहाँ पे फीस सबमिट करनी पड़ेगी। देखो जो 4 और 5 वाले बच्चे हैं, जो 4 तारीख वाले बच्चे हैं उनको 6 तारीख को, और जो 3 तारीख वाले बच्चे हैं उनको 5 तारीख को, ये ऐसे फीस होगा, ऐसे ही इनका पैसा चलता है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, और आप वो वीडियो देख लेना जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि किन किन बच्चों को यहाँ पे आना है, और जो मैंने उसमें डाटा बताया हुआ है ना, वो कुछ अप्रॉक्स वैसा ही डाटा होता है इनका हर बार का। और उसमें से आप और भी माइनस अगर करना चाहते हो, अगर बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चे हो तब भी यहाँ पे आ सकते हो। क्या पता बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो आपका वहाँ पे चांस बन सकता है। तो आप अगर आ सकते हो ना, तो आज जरूर से जाना, मैं तो आपको यही बोलूंगी। क्या पता आपको यहाँ पे कोई ना कोई चांस मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।